थैंक यू फॉर द राइड, नमस्ते। काठमांडू में जो भी एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा तो डर बना था हमारे दिल में। सो वी आर गोइंग टू डोमेस्टिक एयरपोर्ट काठमांडू, ऑन बोर्ड द बस। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल UTM रेल फैन। तो फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और आज की हमारी जर्नी होने वाली है काठमांडू से जनकपुर के लिए। आज हम जाने वाले हैं बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, क्योंकि ट्रेन यहाँ चलती नहीं है बहुत ज़्यादा, और आज हम जाने वाले हैं बाई एयर। आपको बता दें कि बुद्धा एयरलाइन से आज हम ट्रेवल करने वाले हैं काठमांडू से जनकपुर तक की। बहुत ही स्पेशल यात्रा होने वाली है, 4 बजे की हमारी फ़्लाइट है। टिकट वगैरह हमने आके यहाँ पे काउंटर से ही ले ली थी, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा इशू आ रहा था कि पेमेंट का थोड़ा इशू आ रहा था, इस वजह से हमने ऑनलाइन नहीं किया, बट हमने आके काउंटर से टिकट लिया है। बहुत ही सस्ती और बहुत चीप प्राइस मिला है हमें। अराउंड अगर आप इंडियन रुपीज़ की मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 2600 रुपये में आपको फ़्लाइट मिलेगी है। आपको अगर काठमांडू से पोखरा जाना है, या फिर पोखरा से, या फिर कहीं भी जाना है, मतलब काठमांडू से ना, आपको बहुत अच्छी फ़्लाइट प्राइस मिल जाएगा, और बहुत मज़ा आने वाला है इस अलग सी फ़्लाइट में भाई। और आपको बता दूं कि मतलब एयरपोर्ट में पहले आपको दिखाता हूं, उसके बाद पूरी जर्नी आप देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब कुछ बताने वाला हूं नेपाल में। आज हमारा नेपाल में 3रा दिन है, 2 दिन हो गया है हमें यहाँ। मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया, बट मैंने सोचा कि ये स्पेशल ब्लॉग दिखाने के लिए मैंने सोचा कि आज ये ब्लॉग ज़रूर बनाता हूँ। तो भाई ये 3रा दिन है, 3रे दिन हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधा जनकपुर, और ये रहा सामने आप देख सकते हो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ये, जहाँ से हमारी फ़्लाइट उड़ने वाली है जनकपुर की तरफ। फ़्लाइट बहुत छोटी है, सीटें बहुत छोटी होंगी, बहुत से लोग ट्रैवल करेंगे, मतलब मज़ा ही आ जाएगा भाई। अगर ट्रैवल टाइम की बात करूँ तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है हमारा यहाँ से जनकपुर पहुँचने में, अराउंड 30 मिनट के आसपास लगने वाला है। तो इस 30 मिनट में पूरे मज़े करने वाले हैं भाई। अब पूरी वीडियो में ना सब कुछ दिखाऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा, एयरपोर्ट दिखाऊंगा काठमांडू का कैसा है, कि काठमांडू में फर्स्ट इंटरनेशनल डोमेस्टिक मेरी फ़्लाइट होने वाली, वो अलग ही मज़ा है भाई, अलग ही लेवल। चलो फिर मिलते हैं आगे, और सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको, टिकट वगैरह भी दिखा दूंगा, हर एक चीज़ दिखा दूंगा, इमिग्रेशन कैसा होता है यहाँ पे, इंट्री आप कैसे करते हो एयरपोर्ट पे जाने पे, हर भाई मज़ा आएगा। बस सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक कर दो। चलो फिर हमें देख सकते हो कि ये रहा हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट का एंट्री पॉइंट, और ये देखो हमारे लगेज, हम 4 बंदे हैं, एक ये रहा, एक हम है, 2 उधर बैठे हैं, ये हमारा लगेज है भाई, और इसे लेके हम जाने वाले हैं भाई। और ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, मैं एक बार आपको क्लोज दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ से ना आपको अच्छा व्यू भी दिख जाएगा, बाहर से ही आपको फ़्लाइट वगैरह भी दिख जाती है। चलो दिखाता हूँ एक बार, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ से आपको बिल्कुल मतलब बाहर से ही फ़्लाइट वगैरह आपको दिख जाएगी भाई। ये रहा वो फ़्लाइट्स, ये हिमालय एयरलाइंस, आप देख सकते हो सामने बहुत सारी फ़्लाइटें हैं, और वो देखो एक फ़्लाइट ने भाई सामने ही, कितना मस्त है ना, मतलब ज़बरदस्त। हम भी उड़ने वाले हैं इस फ़्लाइट में, और मज़ा आने वाला है इस पूरी जर्नी में भाई। सो वी आर अराइवल इन एयरपोर्ट, देख लो भाई अंदर का सीन ऐसा है कुछ जनकपुर, बाकी लगेज वगैरह थोड़ा वेट कराने आए यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा चेकिंग करा लें उसके बाद। तो पहले हमने एंट्री ले चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ पे, हमने एंट्री ले ली है। सामने आपको यति एयरलाइंस दी जाएगा, वहाँ पे आपको शौर्या दी जाएगा, उसके बारे में भी बताता हूँ, और वहाँ पे आपको श्री एयरलाइंस मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको मिलेगा बुद्धा एयरलाइंस का, जहाँ से आप चेकिंग कर सकते हो, अपने टिकट वगैरह चेक करा सकते हो, अपने जो भी लगेज आप लेके आते हो ना ऐसे भारी भारी, तो उसको आप चेक करा सकते हो कितना वेट वगैरह है। बाकी आपको एंट्री यहाँ से मिलेगी, अभी एंट्री वगैरह सब दिखाऊंगा, सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। अब बताता हूँ इसके बारे में भाई, ये जो एयरलाइंस आप देख रहे हो, ये शौर्य एयरलाइंस फ़िलहाल में बंद हो चुकी है, क्योंकि अभी रिसेंट में 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक हादसा हो चुका था, एक एयरलाइंस, एक एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश कर गया था, तो ये इसी का था, मतलब शौर्य एयरलाइंस का था, इसकी वजह से इसे अभी बंद करके चलाया, मतलब अभी चल नहीं रही है ऑन, मतलब पूरी तरह से इसका सर्विस ऑफ हो चुकी है। बाकी अब देखते हैं ये कब स्टार्ट होता है, इसमें मैं भाई साहब रिकमेंडमेंट भी नहीं करूँगा कभी आप इसमें ट्रैवल करो। आप नेपाल आते हो
तो आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं आप सबसे पहले बुद्धा को देखो, मतलब बुद्धा एयरलाइंस देखो। वो ओवरऑल मतलब इंडिया के बॉर्डर्स बहुत ऐसी जगह है, जैसे नेपालगंज है आपका, जनकपुर है, और कई ऐसी लोकेशन है। अगर आप रक्सौल आते हैं वहाँ पे भी आपको ये सब एयरलाइन से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये तो एयरलाइंस की बात करूँ तो ये भी आपको एकदम बुद्धा के जैसे हर जगह पे आपको मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया एयरलाइंस दोनों हैं, दोनों के प्राइस में आपको 100-400 रुपये का ही डिफरेंट दिखेगा, बट बेस्ट है। बाकी बुद्धा का मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ, इसलिए हमने बुद्धा बुक किया है। फाइनली बोर्डिंग पास हमें मिल चुका है। देखो भाई, मैं अपना पासपोर्ट भी लेके आया था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो दिखा दूंगा इजी से। और ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, जो कि हमें काठमांडू से जनकपुर तक जाने वाले हैं, और 5 नंबर गेट से हमारी एंट्री होने वाली है, और लाइन यहाँ पे लगी हुई चेक इन की। तो फाइनली हमारे देखो स्टैंप लग चुका है भाई, दिखाता हूँ, रुको स्टैंप दिखाता हूँ। ये देखो स्टैंप लग चुका है, और ये रही हमारी फ़्लाइट का नंबर आपको दिखा दिया, और बोर्डिंग पास है ये हमारी, ठीक है। और पासपोर्ट देखो लेके आना वैसा नहीं है कि आप लेके आ सकते हो, नहीं भी ला सकते हो। एक मिनट मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ देखो, पासपोर्ट लाना ज़रूरी नहीं है, बट हम लेके आए हैं क्योंकि हमारे पास बना था, तो हम सोचे कि चलो पासपोर्ट एक सबसे मेन आईडी होती है इंडिया की, तो वो हम लेके आए हैं, ठीक है। इसके लिए ये हमने पासपोर्ट वगैरह लेके आए। बाकी आप नॉर्मल अपना वोटर आईडी कार्ड ले आ सकते हो, आधार कार्ड यहाँ वैलिड नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप पेन कार्ड ला सकते हो, ये चीज़ें आप ला सकते हो भाई साहब। तो फिर अभी अंदर बैठे, एक बार अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। देखो ये वेटिंग हॉल है, ठीक है, 5 नंबर गेट से हमारी एंट्री होने वाली है। एंट्री लोगे ना तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा अंदर आते ही। ये कुछ वेटिंग हॉल है, अलग अलग फ्लाइट्स का अलग अलग गेट है, उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। कुछ यहाँ पे जो बसेज होती हैं, जो बसेज लेके जाती हैं आई थिंक, वो कुछ इस टाइप की होती हैं। ये देखो अलग बसें हैं, तो यहाँ मतलब अगर आपकी बुद्धा एयरलाइंस की बात करूँ तो ये बहुत सारी जगह जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, पब्लिक है, जो कि बुद्धा एयरलाइंस को ज़्यादा प्रेफर करती है। बाकी यहाँ पे सीता एयरलाइंस मिल जाएगी, नेपाल एयरलाइंस मिल जाएंगी, और एत्ती मिल जाएगी, मतलब अलग अलग डिफरेंट एयरलाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। खैर ये रनवे के पास में है, क्योंकि मुझे सोचा कि अगर कोई फ्लाइट वगैरह जाए तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा दूँ। खैर हम भी बैठने वाले हैं फ्लाइट के अंदर, बहुत ही जल्द मज़ा आने वाला है, और इसका मज़ा तो अलग ही भाई। ये भी लेखो, ये भी पासपोर्ट लेके आया भाई, इस भाई ने पासपोर्ट लेके आया कि मैंने बोला था ऐसे कि भाई पासपोर्ट लेके आना, सबसे बड़ी आईडी होती है इंडिया की। एक फ्लाइट दिखाता हूँ भाई बुद्धा एयरलाइंस की। भाई बुद्धा एयरलाइंस की देखो पब्लिक देखो कितनी सारी है, इतनी डिमांड है इस एयरलाइंस की, ये सारी बुद्धा एयरलाइंस जाने वाले हैं। ये येती एयरलाइंस की देखो जा रही है, अभी इससे पहले बुद्धा की थी, ये येती एयरलाइंस की है। फिलहाल इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ ना तो अभी 3 बज रहे हैं, बट अगर नेपाल के टाइम के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो अभी बज रहे हैं, एक सेकंड देखो, जो इंडिया टाइम है हमारा ना वह 3:03 हो रहे हैं, और नेपाली जो टाइम है वो 3:18 हो रहे हैं, और कुछ ही देर में हमारा एंट्री शुरू हो जाएगी। ये है हमारा गेट नंबर 5 नंबर गेट से हमारी एंट्री होगी, और सामने बसेस लगी हुई है, शायद उससे हमें बैठ के ले जाएंगे, हमारी फ़्लाइट तक का एक छोटी सी जर्नी होगी। और 15 मिनट का डिफरेंट देख सकते हो आप इंडिया और नेपाल के बीच में, तो कुछ ऐसा है भाई साहब। और बाकी यार बैठे हुए हैं हम भी यहाँ पे वेटिंग हॉल में, टिकट तैयार है, अभी सिर्फ फ्लाइट पर बैठने की जल्दी है भाई। मतलब एक मतलब बताओ कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट लेना ना एक अलग ही बात है, तो हम ये ट्राई कर रहे हैं और चल रहे हैं जनकपुर की तरफ, जहाँ पे हम करने वाले हैं माँ सीता जी के दर्शन, उनके घर के दर्शन करने वाले हैं, और उसके बाद भी कुछ स्पेशल है, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं रेल फ़ैन हूँ तो ट्रेन कैसे छोड़ सकता, तो आप समझ सकते कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ। भाई यार यहाँ अगर मैं बात करूँ फ़्लाइट की ना, तो बैक टू बैक हर 10 मिनट में आपको फ़्लाइट देखने को मिल जाएगी। और ये रहा एक और बुद्धा एयरलाइंस की,
फाइनली टाइम हो चुका है हमारी बोर्डिंग का, सामने जनकपुर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, और ये भीड़ जो है ये पूरी जनकपुर जाने वाली है भाई। तो चलो और चलते हैं प्लेन में और मजा करते हैं भाई। तो फाइनली एवरीथिंग इज डन, इन्होंने अपना हिस्सा काट लिया है, और भाई ये रही हमारी बस जिसमें हम बैठ के जाएंगे अपनी फ्लाइट की तरफ, और वो रही यति की एयरलाइंस। चलो फिर बस में बैठते हैं। तो बस कुछ इस प्रकार से है यार, और हमें लेके चलेगी वो अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, इसलिए मैं सबसे आगे बैठ गया भाई। मस्त आपको एकदम व्यू दिखाऊंगा लोको पायलट के साथ। एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि यार कुछ हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं और प्राइवेट जेट टाइप के कुछ खड़े हैं यहाँ पे, आप सामने देख सकते हो। बाकी हमारी जो फ्लाइट है ना वो बिल्कुल सामने लगी हुई है, और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे ऑनबोर्ड होंगे अपनी फ्लाइट। ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट, हम ऑन बोर्ड होंगे, सामने हमारे घर का। भाई ये रही जिसमें हम ऑन बोर्ड होने वाले हैं, आई गेस यही होगा। आई डोंट नो कौन सा होने वाला है, बट भाई जबरदस्त सीन है यहाँ का। तो सो फाइनली डीबोर्डिंग द बस, और ये रही हमारी आज की फ्लाइट जिसमें आज हम जर्नी करने वाले हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। छोटी सी फ्लाइट है, चलो अभी अंदर चल के बहुत सारे सीन दिखाऊंगा। फिलहाल करते हैं फोटो सेशन, फिर दिखाता हूँ आगे, मजा आने वाला। फाइनली बोर्डिंग द फ्लाइट, हेलो दिस इज माय फ्लाइट। ओके इसमें भी जाम लग गया यार, चलो भाई। हमारा जो सीट है ना वो 8D है, चलो 8D पे पहले चलते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं। फ्लाइट में बैठ गए भाई, छोटी सी फ्लाइट है, नन्ही सी प्यारी सी। फाइनली वी आर ऑन बोर्ड दिस फ्लाइट। सो यार ये छोटी छोटी दो दो सीटें, 2x2 का कंपेयर है, छोटी सी फ्लाइट है आप देख सकते हो यार, मतलब बढ़िया है। नज़ारे कैसे हैं विंडो? एक नंबर, बिल्कुल विंडो के पास बैठे हैं पंखे के साथ, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा भाई इस फ्लाइट में। तो अनाउंसमेंट चल रही है नेपाली में, धूम्रपान करना प्लीज किए, ये देखो बहुत तेजी से चल रहा है पर पता नहीं चल रहा है इतना तेज चल रहा है, पर पता नहीं चल रहा है इतना तेज चल रहा है। कैप्टन मनीष बोसले तथा विमान के दावारी को खंडा मां वही मां बोलने पर दिवस हम कालीन जाते हैं प्रस्थान करने वाला, और ये जानकारी को लागे यहाँ को गाड़ी का सीट को खाली में रखिए एक सुरक्षा संबंध। ओपन कर दिया, सो फाइनली डिपार्चर टू काठमांडू एयरपोर्ट। हाँ ये तो बंद ही है ना हमारा एयरपोर्ट भाई साहब, कैसे दिखाऊँ आगे भाई। इसके तो जो वो क्या कहते हैं ये कांच भी बहुत गंदे हैं यार, देख लो ये फैन तो इतने तेज चल रहे पर पता नहीं चल रहा भाई, राइड काट लिया इसने कहाँ लेके जा रहे हैं इधर ला। हमारे तो मजे हैं वेरी गुड। हमारे आगे है फिलहाल में यति एयरलाइंस, अभी इसका डिपार्चर होगा, उसके बाद हमारा डिपार्चर होगा।
पोजीशन ले रही है अपनी घड़ी, मतलब यति एयरलाइंस पोजीशन में आ गई है फ्लाई होने के लिए और बहुत जल्दी टेक ऑफ होने वाली है। और ये निकल रही भाई साहब, ये वो निकला और इसके ठीक पीछे से हमारी गाड़ी का टर्निंग पॉइंट आ गया और इसने पकड़ी है रफ्तार भाई, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हमारी फ्लाइट अभी अपने पोजीशन पे आ गई, अपनी हमारी फ्लाइट जिस पोजीशन पे अभी यति एयरलाइंस थी उससे ठीक पीछे एक और एयरलाइंस है, आई गेस ये भी यति एयरलाइंस है, ठीक है, मतलब बैक टू बैक एक फ्लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी पोजीशन ले ली, सो टाइम टू टेक ऑफ टू काठमांडू टू चनकपुर। सो लेट्स गो गाइस, टाइम टू टेक ऑफ काठमांडू टू चनकपुर। ओ भाई जबरदस्त, और अभी फिलहाल हम टेक ऑफ कर रहे हैं यहाँ से काठमांडू नेपाल टू चनकपुर। सामने खड़ी बहुत सारी फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, साथ में डोमेस्टिक है, यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस भी आ चुके हैं, नेपाल एयर्स लाइन है, विस्तारा है, एंड व्हाट ओ भाई टाइम टू फ्लाई। सो हवा में उड़ चुके हैं भाई नीचे देखो फ्लाइट है, दिख रही है बहुत सारी, और अभी हम टर्न लेंगे राइट साइड, लेफ्ट की तरफ टर्न लेंगे आई गेस, और ये है पूरा काठमांडू शहर जो आप देख रहे हो अभी, ये है काठमांडू शहर, सच अ ब्यूटीफुल सिटी, हर हर महादेव। अरे यार लेफ्ट बोला था इसने राइट ले लिया, मतलब मुझे लगा आई गेस बहुत सारी फ्लाइटें लेफ्ट लेके जाती हैं, बट आई गेस ये राइट घूम रहा है, और जबरदस्त। काठमांडू शहर देखो भाई, वापस से राइट ले लिया, अब बिल्कुल हम बादलों में घुस जाएंगे धीरे धीरे, इतने ज़्यादा मतलब आपको ये क्लाउड देखने को मिल रहा है, नहीं तो आपको ना ये एवरेस्ट बिल्कुल साफ दिखता है यहाँ से, क्योंकि जब भी आप फ्लाइट पे ऑनबोर्ड हो गए ना, या फिर इंडिया में अगर आप करते हो तो ले साइड में अगर आ जाओगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो हम भी अभी नेपाल में है तो यहाँ से बिल्कुल पास में ही है एवरेस्ट, तो वो भी देखने को मिल सकता है, बट क्लाउड इतना ज़्यादा है ना तो उसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। बादलों में घुस गए क्या, हाय हाय एक नंबर। Thank you.
करते करते बोल रहे हैं फ्लाइट के अंदर का देख लो, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ सीटें खाली हैं, अवेलेबल हैं और सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, सही है। और वेदर बाहर का थोड़ा सा ख़राब हो रहा है ऐसा, अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि वेदर थोड़ा सा ख़राब है, बाकी देखते हैं कि खबर दादी ना लाभ हमें कई समय बच जाना पर विमान से हम अवतरण कर दस हूँ कृपा हम सीट को बेटी रामेर बांधे फ्लाइट जरा रख दो हमारी फ्लाइट अब पहुँचने वाली है, अनाउंसमेंट हो रही है फ्लाइट हमारी पहुँचने वाली है और सीट की बेटी मतलब ये इसको आप बांध लें क्लाउड बहुत ज्यादा है ना, मेरे ख्याल से बारिश वारिश तो नहीं हो रही, नीचे ऐसा लग रहा है कि बारिश वारिश हो रही है, इसकी वजह से क्लाउड बहुत ज्यादा लग रहा है। देखते हैं आगे, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स एनिवर्सरी, गजब बहुत अच्छा। इसने अपनी फ्लाइट मेरे ख्याल से स्टार्ट की थी 1997 के अराउंड और आज 2024 हो चुके हैं, तो अच्छा खासा इसने अपनी सर्विस दी है बुद्धा एयरलाइंस ने नेपाल। और ओवरऑल आपको नेपाल में हर जगह मिल जाएगी, जैसे आप काठमांडू से कहीं भी जाते हो बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है, इंडिया के कुछ बॉर्डर्स में भी ये कनेक्ट करती है, वो आप अपने नेट पे जाके वगैरह देख सकते हो बहुत ईजीली इसकी वेबसाइट पे। सस्ता टिकट अगर पाना चाहते हो तो वेबसाइट पे विज़िट करो या फिर एयरपोर्ट पे जाके आप ट्राई करोगे तो आपको ईजीली ऑन द स्पॉट आपको टिकट मिल जाएगा बिल्कुल। हमने भी एयरपोर्ट से ही लिया था, काफ़ी ज़्यादा सही था, मतलब बढ़िया था। हमने ऑनलाइन ट्राई किया कल रात में, हमने पूरी रात हमने ऑनलाइन ट्राई किया बट इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था, पेमेंट इशू की वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि चलो एयरपोर्ट से मिलते हैं, बट एयरपोर्ट पर मिल गई इसलिए बहुत आराम से। फिलहाल टाइम टू लैंड इन जनकपुर, हम जनकपुर पहुंच चुके हैं लगभग और अभी लैंडिंग करने वाले हैं जल्दी ही। एयरपोर्ट दिखा, एयरपोर्ट नहीं दिख रहा है अभी। एक्चुअली जनकपुर की बात करूँ तो यार ये बिल्कुल मतलब प्लेन एरिया जैसे अपने साइड में है ना,
यूपी में बिल्कुल प्लेन एरिया, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ वहाड़ या फिर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल एरिया है बिल्कुल, और आराम से फ्लाइट यहाँ पे लैंड करने वाली है। और यहाँ से करने वाले हैं एक और स्पेशल जर्नी की शुरुआत, जो कि आपको कल के आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयिंग, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है उस जर्नी में भी, क्योंकि होने वाली है एक और इंटरनेशनल जर्नी। तो वो कल आपको पता चलेगी हम किस में जर्नी करने वाले हैं और कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में या फिर अगले ब्लॉग में अगली जर्नी में मिलने वाली है। इसको आप पूरा इंजॉय करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना चैनल को। आई होप आपको इंजॉय मिला होगा, मतलब पूरी जानकारी लगभग मैंने दे दी है इस फ्लाइट के फेयर के बारे में, कैसी फ़्लाइट है, इनसाइड व्यू मैंने दिखा दिया, आउटसाइड व्यू दिखा दिया, एवरीथिंग आई शो यू। आप देखते हैं क्या होता है। ये जनकपुर शहर आप देख सकते हो भाई साहब, और हमारी फ्लाइट अभी जल्दी लैंड करने वाली है क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुके हैं और लगभग अब लैंड हो गया, मतलब कुछ ही देर और बचे हैं और लैंडिंग के बिल्कुल अब तो होने वाला है। हो गया भाई, ओ भाई मज़ा आ गया मुझे। छोटी सी फ्लाइट, छोटी सी राइड, छोटा सा शहर और छोटे से देश में हमारी छोटी सी यात्रा को हमने एंजॉय किया, और ये लैंडिंग की तरह बढ़ रहे धीरे धीरे, और ये आ गया रनवे, हमारी फ्लाइट हो गई लैंड, हो गई लैंड, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, सक्सेसफुली लैंड। बहुत खतरनाक ब्रेक मारा है भाई, वेरी गुड यार, जबरदस्त लैंडिंग थी भाई। मतलब इतनी स्पीड में अचानक से स्पीड कम करना है, मतलब अलग ही सीन है यार। खैर हम लैंड हो चुके हैं जनकपुर पे और अभी यहाँ से हम निकलेंगे, बाकी आगे कप्तान मनीष बस्नेत र अन्य उडान कर्मचारीहरू बधाईको यस विमानमा हामीलाई सेवा र फ्लाइन कर चुके हैं। और छोटा सा एयरपोर्ट आपको दिखा दूं, ये तो अंदर से दिखा रहा हूं, बाहर भी चल के दिखाऊंगा। और सक्सेसफुली हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है। हमें काफ़ी डर था यार, मतलब आप समझ सकते हो ना, अभी रिसेंट में जो काठमांडू में जो भी एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा डर बना था हमारे दिल में, बाकी चीज़ें बाद में बात करूँगा बाहर चल के। सो भाई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं जनकपुर में और फ्लाइट अभी हमारी लैंड कर चुकी है, और चलो उतरते हैं, डिवोट करते हैं इस फ्लाइट को। थैंक यू फॉर द राइड, थैंक यू फॉर द राइड, नमस्ते। और आई ये रहा एयरपोर्ट, छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट है, ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट, ये रही हमारी फ्लाइट। सो भाई ये रहा हमारी फ्लाइट आ चुकी है, कैसा लगा, कैसी रही राइड भाई? बहुत मज़ेदार। ये देखो ये चार तीनों हमारे साथ थे और ये हमारी फ्लाइट भाई, और छोटी सी फ्लाइट है, छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हो कि एक सिंगल रनवे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे भाई साहब चलो चलते हैं, बाहर निकलते हैं और अपने बैगेज लगेज वगैरह लेते हैं। जनकपुर एयरपोर्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक बार ये रहा जनकपुर एयरपोर्ट। सो बाकी तो बहुत बढ़िया रहा है, और अभी चलते हैं, थोड़ा सा दर्शन वर्शन भी करेंगे भगवान के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, कल हमने दर्शन किया था, पशुपतिनाथ भी हम गए थे, और अभी जनकपुर आ चुके हैं। चलो एग्ज़िट लेते हैं और अपने लगेज वगैरह लेते हैं और आगे चलते हैं, होटल चेक इन करते हैं। कन्वेयर बेल्ट आ चुकी है जहाँ से लगेज वगैरह निकलते हैं, तो किस तरह से लोगों के लगेज आ रहे हैं और इस तरह से हमारा भी लगेज अभी आएगा। सो ये कन्वेयर ऐसे घूम के आती है, जो भी पब्लिक खड़ी रहती है तो आराम से आपको लगेज वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है जनकपुर रेलवे, सॉरी जनकपुर एयरपोर्ट का सीन। बाकी कुछ ऐसा है यार एयरपोर्ट छोटा सा, और सामान भी धीरे धीरे उधर से आ रहे हैं हमारी तरफ। तो भाई मेरा लगेज देख लो, वो रहा मेरा लगेज, ये मेरा बैग, और ये देखो घूम के एकदम स्मूथली से घूम के एकदम प्यार मोहब्बत की तरह आएगा अभी। ये देखो टेंटन, ये पूरी बेल्ट घुमा रहे हैं हम उसे, घूम ले भाई वो भी थोड़ा सा घूम ले, फ्लाई करके आ गया अभी, थोड़ा सा यहाँ पे भी घूम ले। सो ये रहा हमारा बैग, अब हम करेंगे इसको रिसीव। और मेरे बैग, कैसी रही फ्लाइट, कैसा रहा फ्लाइट, मज़ा आया, आ जाओ। तो भाई इसे भी बहुत मज़ा आया आई थिंक। चलो चलो फिर यहाँ से अब हम निकलते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं बाकी बाहर का सीन कैसा होने वाला है। भाई बाहर हो गए हैं, एग्ज़िट ले लिया है हमने, और ये रहा एयरपोर्ट जनकपुर।
जनकपुर एयरपोर्ट। तो फिलहाल हम आ चुके हैं जनकपुर एयरपोर्ट, करते हैं इस यात्रा को यहाँ पे समाप्त, मिलते हैं आपको अगली जर्नी में। आई होप आपको मज़ा आएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।